देखिए आने वाले वक्त में जिस तरीके से अभी हम लोगों ने परसों की तारीख में पीएफआई के विरुद्ध सब रजिस्ट्रार दिल्ली के पास जो लेटर भेजा कि पीएफआई का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, और जिस तरीके से 30 जनवरी तक हम लोग एक आंदोलन चलाने जा रहे हैं जिसमें से 30 लाख लेटर्स गृहमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को घोषित करेंगे, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये होगी कि पीएफआई जो कि आतंकवादी आतंकवाद समर्पित जो संगठन है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उनके जो भी ऑफिसेज वगैरह हैं उनको तत्काल रूप से बंद किया जाए। जिस तरह से ये लोग ब्रेन वॉश कर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवान तबके को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर यहाँ पर हम लोग बैन करने की मांग, और अगर बैन नहीं भी होता है तो हम लोगों का एक फरवरी में एक मास्टर प्लान ये है कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतर कर इनके पीएफआई के बैन की मांग करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में हमारा जो मुल्क अमन शांति और सेकुलरिज्म की बात करता है वो हिंदुस्तान हमारा किसी भी तरीके से कट्टरपंथी विचारधारा के धारा में बहे या किसी भी तरीके से हमारे उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ऐसे दीगर ममालिक जो कट्टरपंथी विचारधारा के ऊपर चलते हुए, उनकी राह पर चलते हुए ये लोग बर्बाद हो गए।